हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक यूट्यूबर, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे आसानी से आप 100 से 150 से 200 तक आप कैसे कमा सकते हैं महीने का। तो मैं आपको एक एक स्टेप करके बताते जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता दूँ कि मेरा एक वेबसाइट है nayakkumar.com से, ये उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट को, और सारा डिटेल्स में आपको ये वीडियोज़ के बारे में डिटेल्स में वहाँ मिलेगा आपको देखने को। तो वहाँ से आप जाकर के मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर ले। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज के मैं वीडियो के मैं बताऊँगा कि आप कैसे आसानी से कैसे आप $100 से $150 से $200 तक आप आसानी से महीने का कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। तो आप आसानी से आप ये जो डॉलर का पैसा है वो आप आसानी से अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, वो भी आसानी से, ये भी ईजी से और वेरी फास्ट। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है और थोड़ा सा पैसे रखना है और वर्क करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक वेबसाइट बनाना होगा, जैसा कि बहुत सारी वेबसाइट आप देखे होंगे नेट में, कुछ भी सर्च आप जैसे मोबाइल में कुछ सर्च करते हो या कंप्यूटर में सर्च करते हो, तो वो आपको एक पार्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता है। तो वो जो वेबसाइट है वो जो बनाते हैं वेबसाइट, उसके जो व्यू होते हैं उसी व्यूज के ऊपर भी आपको अर्निंग मिलती है। तो मैं बताऊंगा कि ये जैसे मैं बताऊंगा कि एक यूट्यूब है और एक वेबसाइट है, दो आदमी है, जैसे एक यूट्यूब चला रहा हो और एक वेबसाइट चला रहा हो, दोनों में से कंपेरिजन किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि जो वेबसाइट वाले हैं उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, यूट्यूब से ज़्यादा पैसा आपको वेबसाइट में है। तो आप अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और आप जल्दी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप जल्दी से कुछ अमाउंट को आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, एक छोटा सा इन्वेस्ट करके आप एक वेबसाइट डेवलप करिए और उस वेबसाइट के अंदर आप जाइए और बहुत सारे पोस्ट वगैरह लिखना पड़ता है, आप बहुत सारे पोस्ट लिखिए और आपको उसमें ऐड लगाइए, मतलब गूगल एडवर्ड है उससे आप ऐड लगाइए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, वहाँ से सर्च करिए और इस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको करना है एक सबसे पहले वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपको एक डोमेन खरीदना पड़ता है और एक होस्टिंग खरीदना पड़ता है। डोमेन इसलिए खरीदना पड़ता है क्योंकि आपका जो वेबसाइट होगा वो किस नाम से होगा, एक पार्टिकुलरली नाम से होना चाहिए। और दूसरा मैं नाम ले रहा हूँ होस्टिंग का। होस्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उसको आप होस्ट कहाँ करिएगा, उसको चलाइएगा किस पे, उसका उस जो आपका जो वेबसाइट में जितना भी डाटा है वो डाटा को आप सेव कहाँ पर रखिएगा, ताकि आपका जो डाटा है वो डिलीट ना हो और ज़्यादा दिन तक मतलब उस आपका जो सेव रहे, सारा डाटा वो सेव रहे। तो आप कंप्यूटर से करिएगा तो आपको बहुत सारे मतलब 24 घंटा आपको 24x7 आपको कंप्यूटर को ऑन रखना पड़ता है। तो इसलिए आप वो सिस्टम ना करके आप थोड़ा सा पैसा दे करके कंपनी को, वेब होस्टिंग कंपनी को आप थोड़ा सा पैसा दे करके अपने एक CPU को खरीद सकते हैं और नेट के थ्रू आप उसमें अपना डाटा को सेफ रख सकते हैं और ब्राउजिंग करवा सकते हैं। तो जैसा कि आप डोमेन की बात कही जाए तो डोमेन आपको 100 से 200 फ्री में भी है, आपको 300 से 400 रुपया लगेगा डोमेन का,
और उसके बाद आपको एक वेब होस्टिंग मतलब GoDaddy से आप डोमेन ले लीजिए। मैं रिकमेंड रहेगा GoDaddy में जाइए वेबसाइट में और वहाँ से एक डोमेन परचेस कर लीजिए। आपको सिंपली है, कुछ ज़्यादा नीड फिल करना पड़ता है, थोड़ा सा डिटेल्स फिल करना पड़ता है पड़ेगा अपना नाम ईमेल आईडी सब फिल करके अपना डोमेन को एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से आप उसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप है कि कोई भी एक होस्टिंग वेबसाइट पर चले जाइए, GoDaddy है, बहुत सारे डोमेन रजिस्टर है, ए टू होस्टिंग है, बहुत सारे ऐसे होस्टिंग है, आप उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। और पहले इस पर नेट पर सर्च कर लीजिए कि आपको जो होस्टिंग वेबसाइट है वो फास्ट कौन सा मतलब होस्टिंग साइट है, तो उस पर जाकर के आप कोई अच्छा सा वेब होस्टिंग खरीदिए। और मैं बताऊंगा कि जो डोमेन खरीद रहे हैं अपना नाम से या कोई भी एक पर्टिकुलर नाम से बनाइए और लास्ट में .com करके यूज़ करिएगा। .com यूज़ इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है, इसलिए आप .com यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये सर्च है ना वो आपको अदर कंट्री में भी जाएगा, तो आप .com लगा करके ही डोमेन खरीदिए। बहुत सारे जो ब्लॉगर वगैरह होते हैं जो ब्लॉगर अभी चला रहे हैं रिसेंटली, वो आपको भी मतलब आपको बताएंगे कि आपको भी वही बताएंगे कि आप जा करके डोमेन जो खरीदिएगा वो .com वाला ही खरीदिएगा। .in भी खरीद सकते हैं, .com, .in भी खरीद सकते हैं, तो आपका जैसा इच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो डोमेन .com वाले खरीदें। अगर अवेलेबल ना हो आपके नाम से, जिस नाम से आप डोमेन लेना चाहते हैं उस नाम से अवेलेबल ना हो, तो आप .in या .in या .com .co .in पे ही जा सकते हैं। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, डोमेन खरीदना है और उसको एक वेब होस्टिंग खरीदना है और दोनों को ऐड करके आप वेब होस्टिंग, जिसे आपको थोड़ा बहुत वर्ड एक्सेल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और एक अच्छा सा पीसी या लैपटॉप या जो भी हो सके आप एक अरेंज कर लीजिए और थोड़ा सा नेट उसमें लगेगा। आप ये चीज़ को एक साथ रन करिए और थोड़ा सा मतलब आपको क्या करना है, उसमें छोटा छोटा पोस्ट वगैरह लिखना है कि जैसे आपको ये भी अपडेट हो गया उसके बारे में थोड़ा सा मतलब 300 वर्ड में आपको लिखना है, 300 या 500 वर्ड में लिखिए और पब्लिश करिए। तो इससे क्या होता है कि आपको जो जितना भी पेज व्यू होगी उतना ज़्यादा आपको इनकम होगा, तो यूट्यूब से भी ज़्यादा इनकम अभी जो दे रही है वो है आपका साइट, जो ब्लॉगिंग करके आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो दूर क्यों, अगर आप बैठे हैं घर में तो चलिए स्टार्ट करिए, जल्दी से अपने पीसी पे जाइए और आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आज ही आप अपने पीसी में जा करके एक डोमेन बुकिंग करिए और एक वेब होस्टिंग बुकिंग करिए और अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करिए और उसमें पोस्ट लिखिए और अच्छे खासे घर बैठे बैठे इनकम करिए और दोस्तों को भी बताइए इनकम कैसे होगा घर बैठे बैठे। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमको बताइए, हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस टाइप से और क्या क्या अच्छा लगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं इस टाइप से रिलेटेड जैसे ऑनलाइन वर्क कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे इनकम करें, उस टाइप से वीडियो मैं आप लेते आता रहूँगा इस चैनल पे। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो आप जान लीजिए कि मैं एक मेरा भी एक वेबसाइट है जो nayakkumar.com से है, उस पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे इस वीडियो से रिलेटेड और भी बहुत सारे पोस्ट वगैरह किया हुआ है, तो उसको जाकर के पढ़ें। और तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को जाइए, उस वेबसाइट को जाइए, विजिट करिए और देखिए किस टाइप से बनाया जाता है वेबसाइट और किस टाइप से लुक होता है, तो आप समझ जाएंगे और थोड़ा बहुत सर्च करिए तो आप जान जाएंगे किस टाइप से वो एक ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, एक वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। बहुत ईजी है, आप जो समझ रहे हैं कि ये बहुत हार्ड है, नहीं, बहुत ईजी है, आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, MS Word
आपका नॉलेज होना चाहिए बस। आप आसानी से घर बैठे बैठे 100 से 150 डॉलर तक आप इजी तरीका से कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।